In English, there is something which is called having said that. अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल भी होता है. बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे? Having said that. Having said that. अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं. मान लीजिए यहां पर एक लड़की है, इस लड़की के बारे में हमने एक अच्छी बात कही, हमने एक और अच्छी बात कही, एक और अच्छी बात कही, सब अच्छा अच्छा कह रहे हैं. अचानक अब इसके बारे में हमें कुछ अलग कहना है, हो सकता है कोई बुरी बात कहनी, तो हमें बीच में एक ऐसा कनेक्टर लगाना होगा जो इस फ्लो को थोड़ा सा रोके, सब अच्छी अच्छी बातों के बीच में एक दीवार बने और तब फिर बुरी बुरी बातें चालू करें. मतलब यहाँ पर काफ़ी गुड थिंग चल रहा था, यहाँ पर हमने एक कनेक्टर लगा दिया, एक कनेक्टर हो गया, ये दीवार हो गया. इस दीवार के इधर अच्छी बातें, इस दीवार के इधर अब क्या हो जाएंगी? बुरी बातें, बैड थिंग. कैसे? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि सपना, सपना इज वेरी टैलेंटेड, शी इज लेबोरियस, मतलब मेहनती है, टैलेंटेड है, मेहनती है, वो अपने माँ बाप की बात मानती है, यू नो शी ऑलवेज ओबेज हर पेरेंट्स. उसके बाद अब मुझे यहाँ से उसकी थोड़ी बुराइयाँ करनी है, तो मुझे एक दीवार चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए. अब मैं यहीं पर बोलूँगा वो तो ठीक है, बात मानती है. थोड़ा सा पॉज लूँगा, अब यहाँ लगाऊँगा हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट शी हैज एरोगेंस, शी थिंक्स दैट शी इज द ओनली पर्सन हु इज लेबोरियस. इट इज इट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ जो मैंने हैविंग सेड दैट लगाया, ये क्यों लगाया होगा मैंने? इसे लगाने से पहले मैं क्या बात कर रहा था? अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, सपना की तारीफ कर रहा था. बीच में एक दीवार खड़ा किया और इस दीवार के इस तरफ बुरी बुरी बातें करने लगा. तो अच्छाई से बुराई की तरफ जाने के लिए बीच में दीवार चाहिए, या बुराई से अच्छाई की तरफ कुछ भी कर लो, पहले अच्छी बातें करो बाद में बुरी बातें करो, या पहले बुरी बातें करो फिर बाद में अच्छी बातें करो. करके देखते हैं. और जैसे कोई अपने बारे में कह रहा है कि यू नो मुझे अंग्रेजी समझ आती है, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी समझ आती है, मैं अच्छा लिख भी सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट वेरी वेल. या थोड़ा सा ऐसे पॉज ले सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं. अब बंदा अभी तो सब अच्छी बातें कर रहा था, भाई समझ में आती है, मैं लिख सकता हूँ. अब कह रहा है हैविंग सेड दैट वेन एवर आई स्पीक आई गेट स्टक. आपको समझ में आ रहा है? पहले अच्छी बातें की, अब कह रहा है यार वो सब तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ मैं फंस जाता हूँ. तो हैविंग सेड दैट का मतलब अगर इंसान सोचे कि हिंदी में क्या मतलब हुआ, तो हर बंदा अपना मतलब खुद निकालेगा. आप बांग्ला में निकाल लो, हिंदी में निकाल लो, पंजाबी में निकाल लो,
कुछ भी इसका मतलब अपने हिसाब से निकालो, बट अंग्रेजों को हिंदी से तो लेना देना नहीं। अंग्रेजों का तरीका है कि भाई अच्छी अच्छी बातें बोलो, बीच में ये लगाओ और फिर बुरी बातें बोलो, या पहले बुरी बातें बोल लो, कुछ ऐसा बोल लो कि माई नेबर इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, ही नेवर लेट्स हिज डॉटर वेयर वेस्टर्न क्लॉथ्स। अपनी बेटी को तो कभी भी वेस्टर्न कपड़े पहनने नहीं देता है। हैविंग सेड दैट ही ऑलवेज मेक्स हिज फैमिली हैप्पी एंड गिव्स क्वालिटी टाइम। अब क्या हुआ बताओ, कुछ आ रहा है समझ में? यस आ रहा है ना? यस तो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ, एक गूगल सर्च करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिए। जे गुड क्रिकेटर ही गेट्स अप इन द अर्ली मॉर्निंग हैविंग सेड दैट ही हैज लैक ऑफ नॉलेज इन स्टडी एंड ऑल्सो ही हैज पोर नॉलेज इन ग्रामर पार्ट, इंग्लिश ग्रामर। देखिए ओके गाइस, यह लिखा है द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफर दिस टाइम। बहुत इसको थोड़ा आप हाईलाइट करके देखिएगा कि जो बंदा कह रहा है कि भाई एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है इस बार। हैविंग सेड दैट यू कैन स्टिल गेट गुड ग्रेड्स। इसकी आप इसकी हिंदी जो भी सोचो कि इसके बावजूद फिर भी यू कैन स्टिल गेट गुड ग्रेड्स, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसने एक मुश्किल बात कही, बीच में एक दीवार लगाया और फिर एक आसान बात कह दी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, आप दो तीन बातें पहले बोलो, बीच में एक दीवार लगाओ फिर बोलो। यहाँ पर इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है और हैविंग सेड दैट के बाद एक कॉमा लगाया है। कई बार फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, बस एक ऐसे सेमी कॉलन डाल दिया जाता है। अब देखिए, योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन रिमार्केबल। तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू से ही बहुत ही अच्छी है, रिमार्केबल है। हैविंग सेड दैट, फिर भी वी स्टिल थिंक, हमें अभी भी लगता है यू कैन गेट बेटर इन सम एरियाज, कि कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें और अभी बेटर होने की ज़रूरत है। मतलब एक तरफ तारीफ कर रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस तो अच्छी है बट अभी हमें लगता है कि कहीं कहीं और बेहतरी की आवश्यकता है। ही हैजेंट बीन डूइंग वेल लेटली, अभी हाल फिलहाल से वो कुछ भी अच्छा बेचारा नहीं कर पा रहा है। हैविंग सेड दैट, फिर भी आई थिंक ही स्टिल कैन बी अ ग्रेट एसेट टू आवर टीम। हालांकि कुछ दिनों से वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, फिर भी भाई मुझे तो लगता है कि हमारी टीम के लिए वो एक बेहतर पूंजी हो सकता है, असेट हो सकता है। बाकी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। दिस कार इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये कार जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी है। हैविंग सेड दैट, फिर भी आई वुड लव टू बाई इट समडे एज इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। कि महंगी है तब भी एक न एक दिन तो मैं इसको खरीदना चाहूँगा ही, क्योंकि ये बेस्ट कार है, संसार में जितने भी बेस्ट कार्स हैं उनमें से एक है। चलिए अब बहुत सारे हैं तो इतना बहुत है, अब आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए बैक टू पवेलियन आते हैं। हैविंग सेड दैट, शी इज समबडी इज कमिंग।
शी इज ब्यूटिफुल, शी हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हैविंग सेड दैट शी हैज नेगेटिविटी विच आई डोंट लाइक। तो समझ में आ रहा है, मान लो कि ये शी है अब इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई वो सुंदर है, उसके पास अच्छी पर्सनालिटी है, फिर बीच में मैंने ये दीवार क्यों लगा दिया। हैविंग सेड दैट, अब इस दीवार के इधर मैं उसके बारे में कुछ बुरी बातें बोलूँगा। अब कह रहा हूँ कि शी हैज़ नेगेटिविटी, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, विच आई डोंट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं। आइए संगीता जी, एक सेंटेंस आप बनाइए, सोचिए कुछ। सर इसमें मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी कर सकते हैं। ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, एक तरफ मैंने यहाँ देखो बुरी बात कही, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, देखो तो पहले बुरी बात निपटा दो, फिर बीच में ये दीवार लगाओ, फिर अच्छी बात कह दो, या पहले अच्छी बात कह दो फिर दीवार लगाओ, बुरी बात कह दो, बोथ आर अलाउड। My son is very lazy boy. Having said that, he does his work on time. Ramesh goes to school daily. Having said that, he doesn't complete his homework. I'm taking English class and I watch your videos daily basis. Having said that, I am not able to speak fluent English. She is a good housewife. She also a teacher. Having said that, she does not like her mother-in-law. My son doesn't like to go to school. Having said that, he shows interest in study. Sir, Neha is a very good dancer and she can make a tasty food also. Having said that, she is very bad in household work.